आइए अब चलते हैं मेडिकल फील्ड की तरफ। चिकित्सा यानी कि उपचार और हीलिंग में, स्वास्थ्य में क्या फर्क है? कोई कहते हैं कि एक डॉक्टर के हाथ के में एक हीलिंग टच है, शफा होती है, दवाई तो हर कोई देता है। और आज के शो में, मंगलवार में, हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक्यूपंक्चर। और हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, आप हेड है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एक्यूपंक्चर सर गंगाराम हॉस्पिटल, और आप रेसिपिएंट है पद्मश्री के, कहेंगे कि पहले रेसिपिएंट है पद्मश्री के इन द फील्ड ऑफ एक्यूपंक्चर, डॉक्टर कपूर। डॉक्टर कपूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर रमन, जैसे कि अभी जब मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही थी तो मैंने कहा कि ट्रीटमेंट और हीलिंग दोनों में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत फ़र्क है। हीलिंग के अंदर एक जो डॉक्टर है उसको अपने मरीज के साथ एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग डेवलप करनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है? एक हमारे पास एक पेशेंट आता है, हमने उसकी बात सुनी, एक दवाई लिखी और उसको हमने भेज दिया, वो हीलिंग नहीं होती। हीलिंग होती है एक पर्सन को, इंडिविजुअल को अंडरस्टैंड करना, उसकी तकलीफ की रीज़न को पता लगाना और उस रीज़न को, रूट को ट्रीट करना। जो हम एज ए, बिकॉज मैं भी एलोपैथ हूँ, मैं भी वेस्टर्न डॉक्टर हूँ, मैंने भी 32 ईयर्स बैक MBBS किया और उसके बाद मैं शिफ्ट किया एक्यूपंक्चर को। तो आप ही ने शुरुआत की थी डिपार्टमेंट ऑफ एक्यूपंक्चर की गंगाराम हॉस्पिटल में? 20 साल हो गए आज डेवलप किए हुए। तो जब मैंने ये एक्यूपंक्चर बीजिंग में जाके एक साल का कोर्स किया, डॉक्टर्स के लिए 1 ईयर का कोर्स होता है वहाँ पे, तो मैंने जब ये सीखा तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस सिस्टम के अंदर कितना पोटेंशियल है, बिकॉज इसमें हम रूट कॉज को ट्रीट करते हैं। अब से फॉर एग्जांपल, एक मरीज़ आता है हमारे पास, उसको दमे की शिकायत है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चों में भी शुरू हो जाती है, यंग एज में भी होती है, पर उसमें हम कभी भी रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते। हम बेसिकली जो एक पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आता है, जिसे हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, एज एलोपैथ मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करता था इतने साल तक, जब तक मैंने एक्यूपंक्चर नहीं सीखा था। बट एक्यूपंक्चर में हम रूट कॉज पे जाते हैं कि उसको ये प्रॉब्लम शुरू क्यों हुई। तो ज़्यादातर ये हमें पता लगा ऐसे हिस्ट्री लेने से कि ये रूट कॉज इसका बचपन में साइनस की प्रॉब्लम या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम बचपन में थी, उससे उस बच्चे की इम्यूनिटी कम होती गई होती गई होती गई, एक स्टेज ऐसी आई कि उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इतना ज़्यादा वीक हो गया कि उसको धीरे धीरे ब्रेथलेसनेस शुरू होनी शुरू हुई, और ब्रेथलेसनेस जब बहुत बढ़ गई तो स्टीरोइड देने पड़ते थे उसको रिलीफ देने के लिए, एस्थमा के लिए भी। तो इसलिए जब हम एक्यूपंक्चर से ट्रीटमेंट करते हैं तो ना ही हम सिर्फ एस्थमा का ट्रीटमेंट करते हैं, पर जो रूट कॉज था, जैसे कि इस केस में साइनस की प्रॉब्लम थी उसको बचपन से, उसको भी ट्रीट करते हैं। इससे हमारा रिलेशनशिप भी बनता है एक पेशेंट के साथ, और उसके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनता है, और पेशेंट को भी लगता है कि एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट तक ही ना सीमित रह के एक डीपर रिलेशनशिप होना चाहिए। इसलिए मेरे इतने पुराने मरीज जो हैं वो भी मेरे को आज, जबकि क्योर हो गए उनको 10-10 साल हो गए हैं, लोग अभी भी मिलने आते हैं, अभी भी मेरे पास वो अपने पेशेंट्स को रेफर करके आते हैं, और यही मेरे ख्याल से आनंद है एक हीलर के लिए। एज अ लेमैन, जब भी हम एक्यूपंक्चर शब्द सुनते हैं हमें सुइयां ख्याल में आती हैं, तो हाउ डज इट वर्क? क्या आप रूट कॉज को पिन करते हैं? हाउ डज इट एक्चुअली फंक्शन? देखिए, एक्यूपंक्चर जो एक विधि है वो एक्यू एवं पंक्चर दो वर्ड से बनी हुई है। एक्यू हम नीडल को कहते हैं, पंक्चर कहना है भेदने को। सो नीडल द्वारा भेदने के इलाज को एक्यूपंक्चर कहा गया है। अब ये जो नीडल्स होती हैं, ये हमारे जो बाल हैं उतनी पतली नीडल होती है, बाल की थिकनेस की जितनी, ये कोई नॉर्मल जो हमारी इंजेक्शन नीडल होती है उतनी थिक नहीं होती, ये 30 गेज की 32 गेज की नीडल्स होती हैं, जो कि डिस्पोजेबल प्री स्टरलाइज सिंगल यूज़ नीडल्स होती हैं। एक बार आपने पेशेंट पे लगा दी, उसके बाद दोबारा नहीं लगाएंगे, फेंक देंगे, उनको डिस्पोज ऑफ कर देंगे। सो इसलिए देर इज़ नो रिस्क ऑफ एनी इन्फेक्शन, देर इज़ नो रिस्क ऑफ एनी कंटेमिनेशन। सो दीज आर सिंगल यूज प्री स्टरलाइज नीडल्स विच आर यूज ऑन अ पेशेंट फॉर एवरी ट्रीटमेंट। जब भी वो ट्रीटमेंट के लिए आएगा, आप नई नीडल यूज़ करेंगे और उसको फेंक देंगे। और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 14 एक्यूपंक्चर चैनल्स माने जाते हैं। इन एक्यूपंक्चर चैनल्स में एक तरह की ऊर्जा का घूमना या सर्कुलेशन होना माना जाता है। सो कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी में है, चाहे वो पेट की प्रॉब्लम है, चाहे वो गायनी की प्रॉब्लम है, चाहे वो लो बैक है, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, चाहे माइग्रेन है, किसी भी तकलीफ में ये एनर्जी चैनल जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी घूम रही है, इसके इम्बैलेंस की वजह से ये बीमारी होती है। तो क्या एक्यूप्रेशर भी इसी हिसाब से काम करता है, क्योंकि यहाँ पे शायद चक्रास पे दबाव दिया जाता है? एक्यूप्रेशर एक डू इट योरसेल्फ टेक्निक है, वो एक मेडिकल डॉक्टर को जरूरत कोई नहीं करने की, वो कोई भी आदमी किताब पढ़ के कुछ बिंदुओं के ऊपर दबाव डाल के ये ट्रीटमेंट कर सकता है, बट दैट इज़ नॉट अ क्योर। एक्यूप्रेशर इज अ डू इट योरसेल्फ टेक्निक, इट्स लाइक अ मसाज ट्रीटमेंट गिवन एट स्पेसिफिक पॉइंट्स ओनली टू गिव टेम्परेरी रिलीफ, इट इज़ नॉट अ परमानेंट क्योर। वेर एज एक्यूपंक्चर
इज ट्रीटिंग द डिजीज फ्रॉम द रूट. एक्यूप्रेशर से आप इतना डीप जा सकते ही नहीं उस पॉइंट पर जितना कि आप नीडल से जा सकते हैं. और सुइयों से जैसे डर लगता हो, अब सुई का जहाँ तक मैं सवाल बताऊँ आपको, इतनी पतली सी नीडल होती है तो दर्द होता ही नहीं. और एक क्वालिफाइड डॉक्टर अगर कर रहा होगा तो बिल्कुल दर्द नहीं होता. पर अब क्योंकि साइंस तरक्की कर रही है, इसलिए जैसे तरक्की हो रही है नई नई विधियाँ भी आ रही हैं. तो आपको जान के ये खुशी होगी कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं और जो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि नीडल से बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं, उनके लिए आजकल लेज़र एक्यूपंक्चर आ गया है. अच्छा. जिसमें कि लेज़र बीम द्वारा उसी एक्यूपंक्चर के बिंदु के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो एक लाइट बीम ऑफ लाइट है उसको थ्रो करते हैं तो दर्द का तो मतलब ही नहीं है. और ऐसे ही एक और थेरेपी आई है कलर पंक्चर. अच्छा. जिसमें कि डिफरेंट कलर्स जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, इन कलर्स से हम एक्यूपंक्चर के बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं. और ये खासकर बहुत सक्सेसफुल है छोटे बच्चों में. जैसे मेरे पास ब्रोंकाइटिस के बच्चे आते हैं, जैसे ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं जिनको कि लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, हु आर स्लो लर्नर्स. आपने सुना होगा अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं जबकि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है, हर चीज़ पकड़ के फेंकना शुरू कर देता है. दीज डिजीजेज वी हैव नो आंसर इन वेस्टर्न मेडिसिन. और एक्यूपंक्चर में कलर पंक्चर द्वारा जिसमें कि कलर्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे दिए जाते हैं उनसे हम इन डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं. कलर थेरेपी भी इसका एक हिस्सा बन गया. कलर पंक्चर कहते हैं इसे हम, बिकॉज ये इसके लिए स्पेशल टाइप की इक्विपमेंट्स आते हैं जर्मनी से. उस उन यूनिट से हम डिफरेंट एक्यूपंक्चर के बिंदुओं के ऊपर ही कलर्स द्वारा इलाज करते हैं. सो इसका एम्बिट कितना बड़ा है, क्या हर तरह की बीमारी, कोई भी दुनिया जहान में बीमारी हो? बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर कैंसर्स जहाँ पर कि इसका सक्सेस नहीं माना जा रहा है. बाकी इस कैंसर्स के अलावा इवन पोस्ट कैंसर कीमोथेरेपी के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पेशेंट्स को, जैसे कि पेट खराब हो जाता है और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, पेन्स हो जाती हैं कई बारी पोस्ट, और नोजिया की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है और भूख नहीं लगती, एपेटाइट लॉस हो जाता है आफ्टर कीमोथेरेपी, उसके लिए भी एक्यूपंक्चर बहुत कामयाब है. और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आज एक्यूपंक्चर एक क्रेज़ बन के रह गया है क्योंकि वहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं, बहुत रिसर्च हो रही है और डॉक्यूमेंटेशन इतनी अवेलेबल है. आज अगर आप नेट पे जाके देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स जो कि एक साइंटिफिक मेथड माना जाता है किसी भी सिस्टम के अंदर, मेरी एलोपैथी में जो मैं एलोपैथ हूँ तो उसमें भी अगर किसी ड्रग के ऊपर अगर हम पहले ट्रायल ना करें तो उसको हम मार्केट में नहीं डाल सकते. ऐसे ही आज रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स हो रही हैं एक्यूपंक्चर को लेकर अलग अलग बीमारियों में. जैसे मॉर्निंग सिकनेस है लेडीज के अंदर फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, उसमें हम कोई दवाई नहीं दे सकते बिकॉज वो साइड इफेक्ट करती हैं. एक्यूपंक्चर के दो बिंदु ऐसे हैं जिन पे आप सिर्फ नीडल लगाई और वो मॉर्निंग सिकनेस खत्म. तो क्या सीटिंग्स होती हैं इसके अंदर? ट्रीटमेंट्स एक सीटिंग का तकरीबन ड्यूरेशन होता है आधा घंटा. हाँ. पेशेंट जो है वो नीडल लगा के आराम से लेट जाता है. मैंने बताया जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने किसी को किसी ने आपको चुटी काटी, उतना ही दर्द होगा एक एक्यूपंक्चर नीडल लगाने में. और 10 से 12 नीडल्स अगर हम किसी पेशेंट को अगर लगाते हैं उसके बाद वो आधे घंटे तक आराम से लेट के सो भी जाते हैं कई तो पेशेंट नीडल लगे हुए, और आधे घंटे बाद नीडल्स को हटा देते हैं. तो क्या डिजीज टू डिजीज वैरी करता है कि कितनी सिटिंग्स आएंगी, 10 होंगी और कितनी पुरानी है बीमारी? जितनी बीमारी पुरानी होगी उतनी सिटिंग ज़्यादा लगेंगी, जितनी रिसेंट बीमारी होगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर भी इस साइंस को एक ऐसी स्टेज पे, एक ऐसे लेवल पे ले आना चाहिए पॉपुलैरिटी के लेवल पे, जिससे कि एक पेशेंट को अगर अर्ली स्टेज पे डिजीज़ के हम ये ट्रीटमेंट दे देंगे तो उसको नंबर ऑफ सेशंस बहुत कम लगेंगे. अगर फर्ज करो एक मरीज को 1 साल से बीमारी है तो उसको सिर्फ 1 महीने में पूरा बीमारी ठीक हो सकती है, पर वही 10 साल पुरानी बीमारी होगी तो उसको समय ज़्यादा आना पड़ेगा. तो ये रीज़न है. तो इसलिए अगर पॉपुलर होगी साइंस एक तो, और इसी विषय में मैं भारतीय सरकार के साथ भी काफ़ी काम कर रहा हूँ कि ये हम एक्यूपंक्चर को अभी आज की डेट में हमारे पास जो मिनिस्ट्री का ऑर्डर है वो ये है कि सिर्फ डॉक्टर्स ही मेडिकल एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं इंडिया में, नॉन डॉक्टर्स अलाउड ही नहीं है. और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो क्वैक है और उसको हमें बिल्कुल शिकायत करनी चाहिए बिकॉज क्वैकरी शुड नॉट बी अलाउड इन एनी सिस्टम, चाहे वो एलोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे एक्यूपंक्चर है. तो अगर कोई आदमी, अगर मैं जाती हूँ तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि जो व्यक्ति अगर एक्यूपंक्चर ट्रीट कर रहा है मतलब वो वैध है, मतलब वो लीगली कर रहा है, वो क्वैक नहीं है? आई थिंक बेस्ट तो यही होगा उससे पूछा जाए कि भाई आप मेडिकल डॉक्टर हैं, मतलब आपके पास MBBS की डिग्री, MBBS की डिग्री है या होम्योपैथी में BHMS है. अच्छा. हाँ, एनीबडी हु इज अ मेडिकल डॉक्टर हु हैज डन अ 5-year डिग्री कोर्स किसी भी स्ट्रीम के अंदर, किसी भी स्ट्रीम में 5 साल का डिग्री कोर्स प्लस एक्यूपंक्चर में स्पेशलाइजेशन, देन ही इज अलाउड टू प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं. और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी कि उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया
वो कि क्लास ट्वेल्थ के बाद उन्होंने 5 साल का डिग्री कोर्स शुरू कर दिया। जैसे हम मैं क्लास ट्वेल्थ के बाद मैंने 5 साल का एलोपैथी का कोर्स किया, ऐसे ही होम्योपैथ भी 5 साल का कोर्स करते हैं, ऐसे ही वहाँ पर उन्होंने 12वीं के बाद एक्यूपंक्चर के ऊपर एक 5 साल का डिग्री कोर्स शुरू किया, जिसमें कि पहले 3.5 साल आपके आपको बेसिक साइंसेस सिखाई जाती हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जो कि मैंने भी अपनी मेडिकल साइंस में सीखी थी, और उसके बाद 1.5 साल के लिए एक्यूपंक्चर सिखाया जाता है। उससे क्या है कि आप क्वालिफाइड होकर एक लाइसेंस लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक्यूपंक्चर। तो आपको लगा आपकी ये तो मैं अभी है कि कोशिश हिंदुस्तान है कि में भी इस तरीके यही टाइप की कोर्स शुरू हो जाएगा, और ऑलरेडी हमने मिनिस्ट्री के साथ इसमें काफी काम कर लिया है, एंड आई एम वेरी होपफुल। डॉक्टर हर्षवर्धन हैज पर्सनली मेट मी ऑल्सो एंड ही हैज प्रॉमिस्ड मी that a bill will be passed very soon in parliament to able to recognize acupuncture as independent system of medicine. यानी कि जो students medical stream में आना चाहते हैं उनके पास एक और avenue होगा जाने के लिए, और ये बड़ा अच्छा avenue है because इसमें curative results बहुत ज़्यादा हैं as compared to palliation या symptomatic relief which allopathy gives. I will still feel that with western medicine we are able to do a lot good in surgical conditions. जहाँ सर्जरी एक ऑप्शन है वहाँ पर एक्यूपंक्चर कोई रोल नहीं है। अब हड्डी टूट गई किसी की, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड है, तो वहाँ एक्यूपंक्चर में हमें खास करने का कुछ नहीं है, पर हाँ हड्डी टूटने के बाद जब पेशेंट बाहर आता है और उसको आफ्टर पोस्ट सर्जिकली पेन में रिलीफ नहीं हो रहा है, वहाँ एक्यूपंक्चर काम आएगा। एक तो पैलिएशन हो गया और एक सर्जरी से पहले की जो स्टेज हो गई वहाँ पर एक्यूपंक्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड मोस्ट लाइकली आल्सो इन कंडीशंस लाइक नी पेन्स हैं, आर्थराइटिक पेन्स हैं, जहाँ पर की डिफॉर्मिटीज नहीं हुई हैं, अभी पेशेंट को अभी नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, वहाँ एक्यूपंक्चर से उसका बिल्कुल ठीक हो सकता है, पेन कम्प्लीटली रिलीव हो जाता है। और कॉमनेस्ट प्रॉब्लम हमारे पास आती है नेक शोल्डर पेन की, जो कि आजकल टेबल जॉब की वजह से लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स में, लाइफस्टाइल पे, नेक शोल्डर पेन इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, एंड वी आर हैविंग वेरी गुड रिजल्ट्स इन दैट विद नो साइड इफेक्ट्स। सब द बेस्ट पार्ट एक्यूपंक्चर का ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इफ डन बाय क्वालिफाइड पर्सन देर आर नो साइड इफेक्ट्स विद एक्यूपंक्चर। एंड अब स्टमक की प्रॉब्लम लीजिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, पेट की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। डॉक्टर सुनीता हु इज माई वाइफ एंड शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर, वेस्टर्न मेडिकल डॉक्टर, शी ऑल्सो डज ओनली एक्यूपंक्चर लाइक मी ओनली, एंड शी डिड अ वेरी एडवांस स्पेशलाइज कोर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी विद एक्यूपंक्चर, और वो आज जो ऐसे पेशेंट्स जिसमें कि IVF और IUI फेल भी हो चुका है, उन केसेज में भी वह प्रेगनेंसी हम कर पाए विद एक्यूपंक्चर। उसमें भी क्या आप एनर्जी चैनल्स को? हाँ सर, अब कॉन्सेप्ट सब वही है, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट हमारा वही होगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके की वजह से एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है लेडी की, वो उसकी यूट्रस की, वो ग्रो नहीं हो रही है, उसकी वजह से इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है एग का ऑन द यूट्राइन वॉल, और वो फेलियर इसीलिए होता है बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस है, उस हार्मोनल इम्बैलेंस को हम एक्यूपंक्चर द्वारा करेक्ट करते हैं एक नेचुरल मेथड द्वारा बिना कोई दवाई दिए। और उसमें भी सिटिंग्स होती हैं कि? हाँ, ट्रीटमेंट सिटिंग्स होती हैं उसमें भी। उसमें ज़्यादातर हम ट्वाइस अ वीक बुलाते हैं पेशेंट को फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 to 3 months, दैट इज इट। एंड हाउ कॉस्टली इट इज? आई वुड, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई वॉन्ट दिस सिस्टम टू ग्रो इन इंडिया, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई आई वॉन्ट द गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस कोर्सेज, बिकॉज at one level I feel that everybody can't go to a private practitioner because the cost of needles is very high. They are disposable needles and we are importing them from China at the moment, and the cost goes high because we have to pay a certain amount of duty on the needles also. So on an average, say a per session costs to a patient about 1,000 rupees, whereas if you were able to provide this facility free of cost at a government hospital, all government hospitals कैन हैव एन एक्यूपंक्चर डिपार्टमेंट। जैसे आज आप चले जाइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ आयुर्वेदा का डिपार्टमेंट है, होम्योपैथी का है, ऐसे ही एक्यूपंक्चर अगर अवेलेबल होगा तो लोग फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर लेना शुरू करेंगे, नॉट एज अ लास्ट रिजॉर्ट। उससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नंबर ऑफ सिटिंग्स कम लेनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स कम होंगी, और पेशेंट्स के अंदर जब इसके बारे में पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठाएंगे। तो एक तो गवर्नमेंट सपोर्ट हो और दूसरा इसे पॉपुलराइज किया जाए, अच्छे से मार्केट किया जाए ताकि लोगों को इसके बेनिफिट्स के बारे में पता चले। पिछले दिनों ये भी हुआ था कि एंटी एजिंग एलिमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक युवा यंग बना रहना चाहता है तो वहाँ पे एक्यूपंक्चर किस तरीके से काम देखिए अभी भी आपने सुना हो बोटॉक्स इंजेक्शन की बड़ी पॉपुलैरिटी हुई थी, बट बोटॉक्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं,
एंड बोटॉक्स का जो एक्शन होता है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है, बिकॉज आफ्टर फ्यू मंथ्स द बोटॉक्स इफेक्ट वियर्स ऑफ एंड देन यू हैव टू गो फॉर अनदर शॉट ऑफ बोटॉक्स। एंड सबसे बड़ा रिस्क उसमें ये होता है, स्टिफनेस भी होती है, और कई केसेस में जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लिकेशन आई थी, एक पेज 3 पर्सनैलिटी थी जिनको कि बोटॉक्स लगाने के बाद उनका फेशियल नर्व जो है डैमेज हो गई और उनकी एक आंख बंद हो गई बिल्कुल, वो खुली नहीं पाती थी, फेशियल नर्व पैरालिसिस हो गया। तो आई ट्रीटेड हर विद एक्यूपंक्चर फॉर द फेशियल पैरालिसिस एंड क्योर्ड हर ऑफ द फेशियल पैरालिसिस। सो साइड इफेक्ट्स ऑफ बोटॉक्स आर ऑल्सो देयर, वेयर एज इन एक्यूपंक्चर देयर नो साइड इफेक्ट्स। सो जो इसमें बेसिक प्रिंसिपल है एक्यूपंक्चर में वो ये होता है कि कोलेजन होता है हमारे एक फेस में, एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारा एज वी एज आउट द कोलेजन की जो क्वांटिटी होती है हमारी फेस में वो कम होती जाती है कोलेजन टिश्यू की, एंड कोलेजन इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइंस टू कम। सो एक्यूपंक्चर व्हेन पुट एट द राइट पॉइंट्स स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, तो दोबारा से कोलेजन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। और ज़्यादातर मैंने देखा है 50-52 तक की एज तक भी अगर फेस में रिंकल्स हैं, क्रोज फीट हैं, उसमें अगर हम एक्यूपंक्चर देंगे तो वो लाइंस क्लियर अप हो सकती हैं तो और फेस लिफ्ट हो सकता है, और ये नेचुरल तरीका है। आई गेट इवन पेशेंट्स जो कि नेक्स्ट डे अगर उनकी फैमिली में कोई फंक्शन है तो एक दिन पहले वो आके कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट करा के जाते हैं, जिससे कि उनका एकदम से फेस में ग्लो आ जाती है, बिकॉज इट इमीडिएटली स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन। तो कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर के लिए केवल एक सेटिंग चाहिए? ज़्यादातर अगर पेशेंट के बहुत ज़्यादा अगर उसकी फेशियल रिंकल्स नहीं है तो एक या दो ट्रीटमेंट भी बहुत होती हैं, अदरवाइज मैक्सिमम हम ट्वाइस अ वीक देते हैं फॉर अबाउट 4 to 6 weeks, इससे ज़्यादा नहीं देते। कोई हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है? होते नहीं, होते नहीं, अगर एज आई सेड टू यू इफ डन बाय अ क्वालिफाइड पर्सन देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। अब स्पोर्ट्स एक्यूपंक्चर है वो भी एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, जो कि अगर आप आज देखेंगे तो वर्ल्ड में जो एथलीट्स हैं ज़्यादातर जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ के जो भी ओलंपिक टीम्स हैं या कॉमनवेल्थ में जो गेम्स में जा रही हैं, आप हैरान होंगे जान के कि वहाँ मेडिकल डॉक्टर्स को साथ में ना ले जाके या फिजियोथेरेपिस्ट को, वो आजकल एक्यूपंक्चरिस्ट को साथ में लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक इमीडिएट रिलीफ स्पोर्ट्स इंजरी जो भी होती में आते हैं। हमारे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, युवराज सिंह हमारे फेमस क्रिकेटर हैं, उनको हमने एक्यूपंक्चर से ट्रीट किया, उनको माइग्रेन्स की प्रॉब्लम थी, स्टिफ नेक रहती थी, अगर कई बार नोटिस करा हो लोगों ने तो जब भी वो शॉट मारते तो अपना नेक ऑलवेज ऐसे रोटेट करते थे बिकॉज यूज टू फील लॉट ऑफ पेन, बट विद एक्यूपंक्चर जस्ट 10 ट्रीटमेंट्स आई गेव हिम एंड हिज टोटल प्रॉब्लम वाज सॉर्टेड आउट। ही ऑल्सो हैड अ लो बैक प्रॉब्लम, शियाटिक नर्व पेन प्रॉब्लम, एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड आउट विद एक्यूपंक्चर। सो ही इज अ बिग बिग फैन ऑफ एक्यूपंक्चर एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव नाउ कम टू नो इन इंडिया एट लीस्ट अबाउट इट because of Yuvraj, and they also started coming to me. Golf players come to me with tennis elbow. Tennis elbow is a very major problem with people sports who play persons, sports. Yes. So they come to us. Then whiplash injuries because of falling in a football pitch. These are very common problems and they can be immediately treated without giving any painkillers. And सबसे बड़ी problem क्या है कि अगर आप painkillers खाएंगे तो आपके blood test में positive आ जाएगा. और कई ऐसे बैंड सब्सटेंसेस लोग ले लेते हैं, अनोइंगली ले लेते हैं, बट अनोइंगली लिया पर वो टेस्ट में पॉजिटिव आ गया, आपका तो रेपुटेशन खराब हो गई और आपका मेडल भी चला गया। तो इसलिए एक्यूपंक्चर ज्यादा पॉपुलर हो गया है बिकॉज इसमें कुछ भी आप बाहर से नहीं ले रहे, अपनी बॉडी की नर्व्स को ही बिल्डअप कर रहे हैं और अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो गंगाराम हॉस्पिटल में तो चलिए आपका डिपार्टमेंट है, आप जो आप ही ने शुरू किया था, हिंदुस्तान में कहाँ ऐसे कोई इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ एक्यूपंक्चर सिखाया जाता है या ऐसा कोई वैलिड लीगल कॉलेज या इंस्टीट्यूट? अभी फिलहाल आई वुड से वी आर द ओनली वंस हु आर रनिंग अ इंस्टीट्यूट, मी एंड माय वाइफ, वी आर डूइंग अ 1 ईयर डिग्री कोर्स थ्रू द इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में एक ही कोर्स है अभी इस वक्त जो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है। अच्छा, बाकी प्राइवेटली लोग मिलती है उसके बाद इग्नू की डिग्री मिलती है, बाकी जो अभी तक चल रहे हैं कोर्सेज दे आर ऑल बींग डन एट अ प्राइवेट लेवल ओनली। जैसे मेरे कई कोलीग्स हैं जो कि चाइना से सीख के आए और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करी, वो कैलकाटा में भी हैं, बॉम्बे में भी हैं, दे आर ऑल्सो ट्रेनिंग डॉक्टर्स बट दे आर नॉट रनिंग एनीथिंग थ्रू अ यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज। सो द ओनली यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज कोर्स इन इंडिया एट द मोमेंट इज थ्रू इग्नू विच वी आर रनिंग। सो उसके लिए बाकायदा एक डॉक्टर होना, एलोपैथी या किसी भी स्ट्रीम में डिग्री, मेडिकल डिग्री के बाद एक साल का कोर्स। एक्चुअली हमारे इंडिया के अंदर 5 स्ट्रीम्स हैं, 5 सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है जो रिकग्नाइज हैं, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, एलोपैथी एंड होम्योपैथी। तो इन किसी में भी आपकी अगर डिग्री आपने करी हो 5 साल का डिग्री कोर्स तो यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस। डॉक्टर रमन, आज आपने डेफिनेटली बहुत सारे दर्शकों को इंस्पायर किया है और हम दुआ करते हैं कि आपकी जो कोशिशें हैं कि आपको सपोर्ट मिले इसे पॉपुलराइज करने में तो वो ज़रूर पूरी हों। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू वेरी मच।